के साथ सबसे बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। आज अग्निवीर क्यों बैठे हुए हैं सर रोड पे, दिल्ली के रोड पे? हम इंजीनियरिंग करके निकलेंगे, हम पकौड़ा तरेंगे क्या? हमारी यही औकात है कि हम पकौड़ा तरेंगे? ये रोजगार होता है क्या? राम मंदिर के सामने कटोरा लेके भीख मांगे, ये रोजगार होता है क्या? जब इलेक्शन खत्म हुआ तीन राज्य का, राज्यसभा इलेक्शन खत्म हुआ तो आरक्षण की बात खत्म हो गई। ये न्याय सिर्फ राहुल गांधी और कांग्रेस ही दिला सकता है, बीजेपी कभी नहीं दिला सकती। चलते रोड में उनको नंगा घुमा दिया जा रहा है, कहाँ पे बेटी सुरक्षित? वहाँ पे मॉल खुल रहा है, वहाँ पे रेलवे स्टेशन खुल रहा है, वहाँ पे ये खुल रहा है, वहाँ पे चना मुर्रा बेचेंगे? आप बताइए, रेलवे में जॉब है, इतना वैकेंसी खाली है, क्यों नहीं अभी तक भर्ती लिया जा रहा है? क्यों अपने टी शर्ट उतार के चिल्ला रहे हैं कि अग्निवीर योजना को बंद किया जाए? आप बताइए, इलेक्शन से पहले आरक्षण की बात मोदी जी ने की थी, नहीं की थी? कहाँ है? वहाँ पे बोलते हैं ठेला लगाइए, वहाँ पे मॉल खुल रहा है, मॉल पे सामान बेचने का काम करेंगे क्या? कहाँ पे सुरक्षित है सर? कौन से यूनिवर्सिटी कॉलेज, कहाँ पे लड़कियाँ सुरक्षित है? यूपी में एक भी क्राइम नहीं है। अरे आप FIR लिखोगे नहीं तो डाटा जनरेट कहाँ से होगा भैया? ऐसा नहीं है मनीषा कांड की तरह की रातों रात बेटियों को जला दो, उसके परिवार को भी ना दो, बोलते हो बेटियाँ सुरक्षित है? 4 साल की नौकरी में 1 साल की ट्रेनिंग होती, 3 साल की नौकरी रहती, ऐसी कौन सी नौकरी है? और जब ये शहीद हो जाए उसके बाद का? और राहुल गांधी ने अभी कहा है कि जब उनकी सरकार आएगी तो 50% आरक्षण महिलाओं को दिया जाएगा और राजनीति में महिलाओं की भागीदारी होगी। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू थे तो उन्होंने 33% आरक्षण पंचायत राज में दिया था। मणिपुर में महिला सुरक्षित है, IIT BHU में महिला सुरक्षित है कि उनके पास रोजगार है? बोलते नहीं, झंडा उठाने का कितना? 5 रुपए मिल रहा है। आज हमारे युवा की ये कंडीशन है, आज हम उस युवा के लिए लड़ रहे हैं और हमारे नेता उस युवा के लिए लड़ रहे हैं। हमारे साथ हमारे गारंटी मोहर लगा, कौन सा युवा उनके साथ है सर? 5 रुपए का पकौड़ी बेचने के बोलते हैं युवा? हम IIT करेंगे, BHU से पास होकर के निकलेंगे, हम इंजीनियरिंग करके निकलेंगे, हम पकौड़ा तरेंगे क्या? हमारी यही औकात है कि हम पकौड़ा तरेंगे? ये रोजगार होता है क्या? राम मंदिर के सामने कटोरा लेके भीख मांगे, ये रोजगार होता है क्या? वहाँ पे बोलते हैं ठेला लगाइए, वहाँ पे मॉल खुल रहा है, मॉल पे सामान बेचने का काम करेंगे क्या? हम युवा, हमारी यही औकात रह गई है कि हम इंजीनियरिंग डॉक्टरिंग मेडिकल की पढ़ाई करने के बाद वहाँ पे मॉल खुल रहा है, वहाँ पे रेलवे स्टेशन खुल रहा है, वहाँ पे ये खुल रहा है, वहाँ पे चना मुर्रा बेचेंगे? इसके लिए पढ़ाई की है क्या? आप बताइए, रेलवे में जॉब है, इतना वैकेंसी खाली है, क्यों नहीं अभी तक भर्ती लिया जा रहा है? आप बताइए, अग्निपथ योजना के थ्रू में हमारे आर्मी के साथ सबसे बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। आज अग्निवीर क्यों बैठे हुए हैं सर रोड पे, दिल्ली के रोड पे? क्यों अपना टी शर्ट उतार के चिल्ला रहे हैं कि अग्निवीर योजना को बंद किया जाए? 4 साल की नौकरी में 1 साल की ट्रेनिंग होती, 3 साल की नौकरी रहती, ऐसी कौन सी नौकरी है? और जब ये शहीद हो जाए उसके बाद क्या? उसके बाद क्या? आप एक महिला है, राहुल गांधी कह रहे हैं नारियों के साथ सम्मान नहीं हो रहा, लग रहा सम्मान नहीं मिल रहा सर? आप बताइए, इलेक्शन से पहले आरक्षण की बात मोदी जी ने की थी, नहीं की थी? कहाँ है? जब इलेक्शन खत्म हुआ तीन राज्य का, राज्यसभा इलेक्शन खत्म हुआ तो आरक्षण की बात खत्म हो गई। लेकिन राहुल गांधी ने, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू थे तो उन्होंने 33% आरक्षण पंचायत राज में दिया था। और राहुल गांधी ने अभी कहा है कि जब उनकी सरकार आएगी तो 50% आरक्षण महिलाओं को दिया जाएगा और राजनीति में महिलाओं की भागीदारी होगी। इंदिरा फेलोशिप भी इसी कारण से चल रहा है, आधी आबादी पूरा हक, ये न्याय सिर्फ राहुल गांधी और कांग्रेस ही दिला सकता है, बीजेपी कभी नहीं दिला सकती, क्योंकि बीजेपी नारी के सम्मान में कभी खड़ी नहीं होती। नारी के सुरक्षित है, मणिपुर में महिला सुरक्षित है, IIT BHU में महिला सुरक्षित है क्या? IIT BHU में क्या हुआ है? मणिपुर में क्या हुआ है? उत्तर प्रदेश में FIR लिखने से बंद कर दिया और डाटा दिखाते हैं योगी आदित्यनाथ कि यूपी में एक भी क्राइम नहीं है। अरे आप FIR लिखोगे नहीं तो डाटा जनरेट कहाँ से होगा भैया? आप राजस्थान को बोलते हो सबसे ज्यादा क्राइम है, कम से कम FIR दर्ज हो रहा तभी तो आपको डाटा मिल रहा, और जब FIR दर्ज हो रहा तो एक्शन हो रहा है? ऐसे नहीं है मनीषा कांड की तरह की रातों रात बेटियों को जला दो, उसके परिवार को भी ना दो, बोलते हो बेटियां सुरक्षित है? कहाँ पे बेटियां सुरक्षित है? आपके सामने सबसे बड़ा एग्जांपल तो मणिपुर है, IIT BHU है, उसके बाद मनीषा जी है जिनको बीजेपी के लोगों ने होटल पे सेक्स रैकेट ना चलाने की वजह से उनको तालाब में फेंक के मार दिया, उसमें बीजेपी के नेता है। और IIT BHU के जो 3 लड़के थे वो IT सेल ऑफ बीजेपी थे, जो 60 दिनों से घूम रहे थे, उस पर किसी ने कुछ बयानबाजी नहीं की, फिर भी सुरक्षित है? बेटियां कहाँ पे सुरक्षित है सर? कौन से यूनिवर्सिटी कॉलेज, कहाँ पे लड़कियां सुरक्षित है? चलते रोड में उनको नंगा घुमा दिया जा रहा है, कहाँ पे बेटी सुरक्षित है? क्या लग रहा है न्याय मिल पाएगा जिस तरीके से राहुल गांधी यात्रा चली है सर, होगा कुछ? बिल्कुल असर होगा सर, जैसे राहुल गांधी जी आएंगे सबसे पहले आरक्षण की बात उन्होंने की है, महिला आरक्षण वो देंगे, बेटियों की सुरक्षा के लिए वो आएंगे, नारी योजना निकालेंगे और उनके दिए हुए हर वादों को वो जरूर पूरा करेंगे। राहुल गांधी जो कहते हैं वो करते हैं, उनका वादा मोदी की गारंटी की तरह झूठी नहीं होती है, अगर उन्होंने कहा है तो वो करेंगे। और वही एक ऐसा पार्टी है कांग्रेस ने देर सवेर हमेशा आरक्षण और महिलाओं के लिए उन्होंने ही कदम उठाया है, ना कि मोदी ने उठाया है। बीजेपी कह रही है राहुल गांधी को न्याय के लिए ज्ञान की जरूरत है, बोलिए सर, उसकी जितनी डिग्री है ना
उतना उनको जन्म लगेगा पढ़ने में। बोलेंगे दोबारा मोदी जी जन्म लेंगे ना, तब तक भी हो ना राहुल गांधी की डिग्री के बराबर नहीं आ पाएंगे। तो उनको बोले पहले आप डिग्री लेकर के आइए सर, अपनी फॉल्स डिग्री हमें ना दिखाइए। यहाँ पे पढ़े लिखे युवा हैं, उनको सब समझ में आता है, ये फेक डिग्री ना दिखाया करें। जो एक टेलीग्राफी के बिना कुछ बोल नहीं पाते हैं, वो हमारे राहुल गांधी से पूछते हैं कि वो उनको ज्ञान की जरूरत है। उनको बोलिए कि आप अपना ज्ञान पहले लेकर के आइए सर। मैं गरीब का बच्चा हूँ, गरीबों को दुख दर्द जान रहा हूँ। गरीबों के चैटर फ्लाइट पे खुलेंगे, मशरूम खाएंगे, 5 लाख का सूट एक दिन में पहनेंगे, 4 बार कपड़ा चेंज करेंगे सर, ऐसा गरीब भगवान सबको बना देंगे। क्या कह रहे थे आप? बता रहे हैं महिलाएं सुरक्षित है, मोदी जी बोल रहे हैं ना, कहाँ सुरक्षित है बताइए, कौन से स्टेट में सुरक्षित है? आप हमारे छत्तीसगढ़ की बात करिए, सरगुजा स्टेट में अभी बलात्कार हुआ है, सॉरी सरगुजा जिले में अभी बलात्कार हुआ है, बालोद जिले में बलात्कार हुआ है, कहाँ महिलाएं सुरक्षित है बताइए आप? चुनाव से पहले भी बलात्कार हुए ना, तो जो मोदी जी के जितने भी आईटी सेल के जितने भी वो थे पदाधिकारी, उन्होंने भी रेप किया है, कहाँ सुरक्षित है बताइए? सुरक्षित नहीं है महिलाएं, कहाँ सुरक्षित है बता तो रहा हूँ मैं आपको, अभी भी रेप हो रहे हैं आए दिन, लड़कियों के साथ छेड़खानी हो रही है, कहाँ है इनका लॉयल? अपराधी देश छोड़कर भाग गए हैं, अपराधी छोड़ के भाग गए, मतलब जो भारतीय जनता पार्टी के जो सपोर्ट कर रहे हैं ना, उनको ही मोदी जी यहाँ बैठा के रखे। जब राम भगवान को ला सकते हैं तो बाकी जितने नीरव मोदी और ये लोग हैं, ये सबको मोदी जी क्यों नहीं ला पा रहे? इतने जो देश के इतने इतने पैसे जो सबके माफ हो रहे हैं, किसान के पैसे क्यों माफ नहीं किए जा रहे हैं? छत्तीसगढ़ में यही चीज सबसे बड़ा, और बेरोजगारी किसानों की सरकार आई है, किसानों की क्या सरकार आई है? किसानों की सरकार तो भूपेश बघेल की सरकार थी, जो आते से 2 घंटे में कर्ज माफ हो गई। क्यों ना काट दिया आपको? ये तो ईवीएम का वो है, ईवीएम पे डाउट है हमके, हमको क्या ईवीएम? राहुल की यात्रा कैसे होगा? ऑफकोर्स होगा। अगर बैलेट पेपर पे दम है तो चुनाव लड़ाइए, पता चल जाएगा दाल आटे का भाव। इनको सिर्फ मालूम है धर्म की राजनीति करेंगे, लोगों को गुमराह करेंगे और हम अपनी सरकार बनाएंगे। और मैं निश्चित ये कह देता हूँ, अगर ये लोकसभा में अगर इनको नहीं हटाएगा तो आने वाला जो जनरेशन होगा उसमें चुनाव कोई नहीं देख पाएगा। हम ये लिख कर दे रहे हैं। और राहुल गांधी जो न्याय यात्रा इसलिए निकाल रहे हैं कि जितने भी लोगों को न्याय मिल पाए, आप जान रहे हैं कहाँ पे सारी आरक्षण सारे बंद कर रहे हैं। और जो आप बता रहे थे कि गरीब मोदी जी गरीब घर के बेटे हैं, क्या गरीब घर के बेटे 2.5-3 करोड़ का सूट पहनते हैं, चार्टर प्लेन में घूमते हैं बताइए आप? यही बात है कि सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार जो है गुमराह कर रही है और धर्म की आड़ पर राजनीति कर रही है। क्या बाकी लोग धर्म पे आस्था नहीं रखते? आप नहीं मानते भगवान राम को? आप नहीं मानते? क्या उनके मानने से ही हम मानेंगे? बताइए भाइयों, गलत बोल रहे हैं, सब मानते हैं। क्या वही ठेका लेके रखे क्या भगवान श्री राम का? बताइए, मंदिर सबके घरों पे है और भी मंदिर है, जरूरी नहीं है कि वहाँ बनेगा तो हम उसको आगे बढ़ाएंगे। अरे सब मानते हैं, आपको भी मालूम है। शिक्षा की बात करते हैं, शिक्षा में क्या कर रहे हैं? बोले थे 2 करोड़ रोजगार दिए, क्या नहीं दिए? बोले थे ना सबके अकाउंट में 15-15 लाख आएंगे, कब आएंगे? मैं तो मर जाऊंगा तब आएंगे लग रहा है। घर दादाजी भी निकल लिए, दादी भी राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। अरे क्या लाए हैं बताइए, राम जी पहले नहीं थे क्या? ये बता, हम सीधा सिर पे बताना चाहते हैं, दम है तो 70 साल चला के देख लो, हमारी कांग्रेस पार्टी 70 साल चला के रखी है, बस इतना ही कहेंगे। प्रधानमंत्री कह रहा है युवा तो मोदी गारंटी मोहर लगा रहा है। क्या क्या किया मेरे लिए बताओ? मैं पीजी कंप्लीट कर लिया है, मैंने अभी वकालत कर रही, क्या किया है? मेरा तो सारा कंप्लीट है। इतने युवा क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे, बस परसेंटेज हटा देंगे, डिग्री हटा देंगे तो क्या वो जाएंगे? वो कहते हैं कि क्या चाय और पकौड़ा बेचना रोजगार है, यही रोजगार है? बेचे क्या भाई अब? ये रोजगार है, है? मतलब अमित शाह के बेटे कल ते BCCI के सचिव बनेंगे और हम चाय पकौड़ा बेच के रोजगार बनाएंगे अपना, ऐसे ही चल जाएगा घर? आपको भी मालूम है महंगाई कितने चरम पर है। हम जब बच्चे थे ना तो हमारे मम्मी पापा 60-54 रुपए में पेट्रोल डलाते थे जब कांग्रेस की सरकार थी। आज यही मोदी सरकार में 100-103 रुपए का पेट्रोल और 150 रुपए का खाने का तेल ले रहे हैं। युवा किसके साथ है बताइए? युवा सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी के साथ है, क्योंकि हमको मालूम है कि राहुल गांधी ही हमें न्याय दिला सकते हैं। बस आप सभी से, मीडिया वालों से इतना ही कहना चाहूंगा, सच्चाई दिखाइए। जितनी नहीं दिखाती है, कहाँ दिखाती है सच्चाई बताइए? कुछ दिखा रही है? कुछ दिखाती है मीडिया सच्चाई? मैं सिर्फ इतना कह, एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाग लिए मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाग? क्यों नहीं लेते हैं? सच्चाई कहने डरते हैं, झूठी फर्जी डिग्री दिखाते हैं, है ना, झूठी बयान दे आते हैं। उसके बाद अभी देख लीजिए महिलाएं सुरक्षित वाली बृजभूषण सिंह जी को देख लिए, सारा चीज कर दिया, बड़े बड़े देश के जिन्होंने राष्ट्रीय लेवल में ओलंपिक खेल के आए थे उन्होंने अपना मेडल दान दे दिया। और क्या कर ले बताओ? और क्या करी जनता? आप बताइए क्या कर? वगैरह है मुद्दा नहीं है महंगाई? हम 2 रुपए में अनाज खा रहे हैं और 10 रुपए में खाने का तेल मिल रहा है, उसी को पानी डाल के खा रहे हैं। 150 रुपए तेल हो गया भैया,
₹100 पेट्रोल हो गया है, समर्थक करें 1000 पार हो जाए कोई दिक्कत नहीं। तो से उनको क्या लग रहा है कि हम कुछ भी कर लेंगे, मोदी जी लाएंगे, क्या है वो डाल दिए हैं, उनका सिर पर ये कहना है, उनका धार्मिक मुद्दा बना लिया। धार्मिक मुद्दा नहीं है भैया, सब अपनी धर्म के प्रति आस्था रखते हैं। हमको चाहिए रोजगार, चाहिए ना महंगाई, हमको कम चाहिए, रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, सबको अपना घर चाहिए, ये काहे नहीं दिखाती है। बुलडोजर चलवाना क्या न्याय का हक है? यही हक है। अरे भैया बुलडोजर चलाना है तो जिसने गलती की है उसके ऊपर चलाओ, किसी के बेचारे घर में कोई बना रहा है 25-30 लाख का 15 लाख का, जहां से भी लोन उठा के घर बनाया है, अगर कोई गलती करता है तो क्या उसको बुलडोजर चलवा देंगे? मुद्दा बना दिए है मुसलमानों को, मुसलमान मुद्दा नहीं है, वो सिर्फ राजनीति करके बना रही है। और भी लोग तो अभी पकड़ा है रेप में, उनके घर चला बुलडोजर, वो जानबूझकर लोगों को भ्रमित कर रही है। अभी आप चले जाइए बालोद जिले के गुंडरदी क्षेत्र में, 3 लड़कों ने सामूहिक बलात्कार किया, क्या उनके घर चला बुलडोजर? सरगुजा भी मैं सुना था, मैंने न्यूज में आया था, चला बुलडोजर? कब चलेगा उनके घर में बुलडोजर? कितने सारे कांड हो रहे हैं, कब चलेगा बुलडोजर? अपराधियों के घर पे बुलडोजर चलेगा? अरे अपराधियों के घर पे चलेगा क्या? जो रेप कर रहे थे अभी अपराधी नहीं थे? नहीं थे अपराधी? रायपुर में आए दिन चाकूबाजी हो रहा है, नहीं हो रहा है? हो रहा है ना, इधर कई सारी घटनाएं हो रही है। बोल रहे थे हसदेव बचाएंगे, हसदेव बचाएंगे, बचाए क्या हसदेव?